आजकल ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, और सही बताऊं तो पहली बार मुझे कोई वायरल ट्रिक पसंद आई। करना क्या है, कोई भी सब्जी बनाना है बस बिना तेल के। मैंने तेल बटर कुछ नहीं लिया, सीधा डाल दिया जीरा। जीरा को अच्छी तरह से सेक कर प्याज और नमक, प्याज मैंने एक लिया है और नमक दो चुटकी से ज्यादा नहीं। नमक डालने से प्याज पकने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर एक चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट और आधा कप पानी। अदरक लहसुन पेस्ट पकने में थोड़ा सा ज्यादा वक्त ले सकता है, तो उसे आराम से पकने देना। फिर इसे पकाने के बाद हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, और पानी मैंने ले लिया है आधा कप, और धनिया लाल मिर्च हल्दी पाउडर को मैंने आधा छोटा चम्मच लिया था। फिर 5 से 6 मिनट बाद जब हल्दी वल्दी पक जाए तब डालो टमाटर और नमक, और टमाटर के साथ भी मैंने नमक ज्यादा नहीं डाला है, आधा छोटा चम्मच। और टमाटर पकने के बाद मैंने इसमें डाल दिया भुर्जी वाला मसाला और 2 कप पानी। वैसे ये भुर्जी वाला मसाला ऑप्शनल है, लेकिन अगर डाल दोगे ना तो कोई बात नहीं, टेस्ट अच्छा ही आएगा। फिर कद्दूकस किया हुआ पनीर डाल के इसे मिक्स कर लेंगे, और डाल देंगे आखिर में धनिया, और धनिया डालने के बाद भी इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, फिर निकाल लेंगे। और आपको ये बिना तेल की पनीर भुर्जी कैसी लगी कमेंट में बताना।